बहुत दिनों से अगर आप किसी काम के पीछे हो और वो काम सक्सेसफुल हो जाता है तो कैसा लगता है? ऑफ कोर्सली अच्छा ही लगता है। सो सेम आई एम फीलिंग टुडे, क्योंकि बहुत दिन से मैं इस बाइक के पीछे था। टाइटल और थंबनेल देख के आपको मालूम पड़ा है कि नई बाइक है, लेकिन मैंने अभी तक थंबनेल में उसका फोटो नहीं डाला था। तो अभी पूजा करते वक्त आपको पूरी बाइक दिखा देता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। बताने की कोशिश करूंगा अगर कैमरा काम करेगा तो। ये हमारे वॉचमैन साहब है। हाय बोलो, हाय हाय बोलो, हाय। तुम भी आ रहे हो उसमें क्या? इशारे इशारे में बात मत करो। अच्छा गणपति बापा मोरिया, चलो टाटा। और एक चीज बोलता हूँ कि मेरा जो माइक में आवाज आता है ना, वो रियल आवाज से बहुत डिफरेंट है। मुझे सच्ची में वियर्ड लगता है कभी कभी, लेकिन है जो है ना, मैं आवाज बदल सकता हूँ ना एडिटिंग में, वो ढंग से हो सकता है। इसको फॉग लाइट की भी इतनी जरूरत नहीं है जब तक आप कोई लॉन्ग राइड पे जाते नहीं हो। ऐसे रास्तों पे तो टेस्ट भी हो जाएगी थोड़ी थोड़ी इसकी। ओके तो अभी थोड़ी सी स्टोरी आपको बता देता हूँ कि ये बाइक कैसे ली मैंने। तो मेरा दोस्त है, उसके पास ये 2018 यानी 2 साल पुरानी है, एंड उसको बेचनी थी। उसने मुझे कहा, क्योंकि मेरे पास एक बाइक ऑलरेडी है, तो उसने मुझे पूछा कि अगर कोई दूसरा रहेगा बाइक के लिए तो मुझे बता, मुझे मेरी बाइक डोमिनार बेचनी है। तो मैंने बोला एक काम कर, कितने में बेच रहा है, एंड हमारा जो सब कन्वर्सेशन हुआ उसके बाद मैं उसको फाइनल प्राइस बोली कि एक में दे दे मुझे 1 लाख में, तो मैं ले लेता हूँ। और सब टर्म्स एंड कंडीशन, एक्चुअली ये गाड़ी मैंने पहले भी देखी थी, पहले भी चलाई थी, इसके लिए मुझे पता है गाड़ी की कंडीशन क्या है, क्या क्या चेंज करना है। तो बस उसने मुझे बोला ठीक है भाई तू ले ले, अपने घर का ही है, एंड एवरीथिंग हैपेंड परफेक्टली। सब अच्छे से होता गया और आज यानी 3 अगस्त को बाइक अपने हाथ में है। ओके तो जिससे मैं मिलने आया हूँ वो यहाँ पे ही रहता है, और वो कैमरा से बहुत शर्माता है, बट स्टिल आई विल ब्रिंग हिम। ये देखो ये सीट सीट बैठ ना, पकड़ के रखा। बहुत अच्छा लगा मुझे सर आपके साथ वीडियो बना रहे हैं। तो ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है स्कूल का,
और इसका भी चैनल है, हाँ इसका भी चैनल है, लेकिन ये उस पर काम नहीं करता है। तो अभी हम लोग और एक दोस्त से मिलने आए, तो वो उसको बहुत टाइम लगता है एक्चुअली आने को, आने के बाद दिखाऊंगा आपको। अभी हम लोग ऑलमोस्ट 5 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे खड़े रह के, लेकिन अभी भी आया नहीं है वो। ये हीरो जो दिख रहा है आपको, ये जूम करके दिखा दो, बाय बाय। सो आई एम डन विथ आवर राइड, छोटा सा राइड करने गए थे, बाकी तो कुछ नहीं। एंड नाउ हम लोग जाएंगे घर पे, क्योंकि अभी तो कुछ है ही नहीं। बाइक के बारे में बता दिया है मैंने आपको, बाइक टेस्ट भी कर ली है, इस पर अभी थोड़ा सिनेमैटिक वीडियो बना के आपको मैं कभी तो वो भी आपके सामने लाऊंगा, और बाकी तो कुछ नहीं। बाकी एकदम चुम्मा, हाँ पेट्रोल खाती है क्योंकि 400 सीसी है, और अगर आप सीसी के हिसाब से देखने जाओ, अगर बड़ी बाइक ले रहे हो और अगर आपको एवरेज चाहिए अच्छा, तो भूल जाओ, इससे भी बड़ी बड़ी बाइक है BMW, टाइगर, तो उन सब में एवरेज तो ना देखे तो सही। ये इसका बेसिक परफॉर्मेंस मैंने आपको दिखाया, छोटा सा। और देखो कभी भी आप कोई भी बाइक कार कुछ भी चलाओ तो सेफली चलाओ, हेलमेट एटलीस्ट हेलमेट पहन के चलाओ,